हेलो क्लास फोर्थ, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 19, केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। तो देखिए, नाम से आपको क्लियर हो रहा है, केयरिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब आपकी अपनी कोई पर्सनल चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करते हो, वो आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है ना। और पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई भी चीज़ है जिसको हम पर्सनली यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, और आप उसके ओनर हो, आप जिसे चाहते हो आप उसे दे सकते हो, है ना, और अपने रिलेटिव्स को दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार होता है। पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि आप तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन वो सभी के लिए यूज़ करने के लिए खुले हुए होते हैं, उनको कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि आप देखते हैं, आप कॉलोनी में रहते हैं, आपके कॉलोनीज़ में कई सारे पार्क्स होते हैं जिसमें किसी को भी रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है ना, सारे ही बच्चे वहाँ खेलते हैं। इस तरीके से देखिए, आप रोड्स देखते हैं, आप मार्केट जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, तो आप रोड पर आपको कोई चलने से रोक सकता है, नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सभी के यूज़ के लिए होते हैं। इसी तरीके से आप रोड्स के ऊपर देखते होंगे स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए होते हैं, है ना, तो वो स्ट्रीट लाइट जो है वो पर्सनली आपके यूज़ के लिए तो नहीं होती, उसको तो सभी लोग जो है यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने इंडिविजुअल यूज़ के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, यानी कि हम पर्सनल यूज़ में उसको लेते हैं, हमारी फैमिली उसको यूज़ में लेती है, और कुछ चीज़ें इस तरीके की होती हैं जिस पर सभी का अधिकार होता है, यानी कि सारे ही लोग जो हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक मॉन्यूमेंट्स हो गए, पार्क्स हो गए, कुछ लाइब्रेरीज़ हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, है ना, तो वो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। तो अपनी चीज़ों की तो हम केयर करते ही हैं, है ना, सारे ही लोग जो हैं अपने सारे सामान की, आपके व्हीकल्स हो गए, आप उसको अच्छे से डेली वॉश करते हो, आपका अपना पर्सनल गार्डन है, आप उसको अच्छे से वाटरिंग करते हो, लेकिन आप किस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जिसको सारे ही लोग यूज़ करते हैं उसको भी आप कैसे केयर कर सकते हैं, किस तरीके से हमें केयर करनी चाहिए, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, सो व्हाट वी विल लर्न अबाउट, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एंड हाउ टू केयर फॉर पब्लिक प्रॉपर्टीज़। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप विच वी हैव टू डू, ऑब्जर्व पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है। विच प्लेस हैज़ बीन शोन इन द पिक्चर, आप यहाँ पिक्चर को देखिए, बताइए ये पिक्चर आपको, आप मुझे लगता है ईजिली बता पाएंगे क्योंकि डेली आप यहाँ जाते हैं, है ना, स्कूल से जाने के बाद, पढ़ाई अपने होमवर्क कंप्लीट करने के बाद। यस, यू आर राइट, दिस इज़ पार्क, चिल्ड्रन पार्क, है ना, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चिल्ड्रन जो हैं वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना, स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं। तो विच प्लेस हैज़ बीन शोन इन दिस पिक्चर, यस, चिल्ड्रन पार्क। डज इट बिलोंग टू एनी वन ऑफ योर फ्रेंड और एवरी वन इन योर नेबरहुड, ये सिर्फ एक कोई आपके फ्रेंड जो हैं वो यहाँ पर खेल सकते हैं या उन्हीं का है, या फिर जो भी आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सारे ही इसको यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं, देखिए कोई भी पार्क आपके आप अपने लोकेलिटी में देखते हैं तो कोई एक बच्चा तो उस पार्क में नहीं खेलता ना, कि आपका कोई एक फ्रेंड है जो उसको यूज़ करता हो, नहीं, उसको तो पूरी उस लोकेलिटी के पूरे सोसाइटी के सारे ही बच्चे जो हैं उसको यूज़ करते हैं। तो अब इस तरीके से जो कोई पर्सनली एक जो पर्सन है वो उस चीज़ को यूज़ ना करे, सारे ही लोग जो हैं उसको इक्वली उनके लिए उसका वैल्यू होती है, यानी कि खेल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या होती है,
वो होती है पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि सभी जितने भी पब्लिक हैं उन सभी को वो यूज़ करने का उनको अथॉरिटी होती है ना। तो ये आप करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वी यूज़ मैनी थिंग इन आर डे टू डे लाइफ, हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूटर, बस, हाउस, पार्क एट्सेट्रा, है ना। आपके अपने घर पर काफ़ी सारे व्हीकल्स होते हैं, लाइक स्कूटर होते हैं, आप रोड पर जाते हैं, बसेस होते हैं, हाउसेस में हम रहते हैं, पार्क होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड एट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। अब ये सारी जो प्रॉपर्टी है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसा मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जिस पर हमारा ही अधिकार होता है, हम अपने पर्सनल यूज़ में उसको लेते हैं, हमारी फैमिली के यूज़ में लेते हैं, और क्योंकि आप उसके ओनर हैं तो जिसको भी आप देना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, आप उसको दे सकते हैं। लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक पर्सन की नहीं होती है, उसको सारे ही लोग जो है वो इक्वली उसका यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज़, द थिंग्स दैट बिलोंग टू एनी वन पर्सन और अ फैमिली आर नोन एज प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। तो कोई भी चीज़ जो किसी एक पर्सन या फिर एक फैमिली से बिलोंग करती हो, उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। On the other hand, the things that belong to everyone in the society are called public properties. और बिल्कुल इसके अपोजिट वो कोई भी चीज़ जो पूरी सोसाइटी के एक एक मेंबर जो है, एक भी कोई भी पर्सन हो उसको वो यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता उसको यूज़ करने से, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। तो क्लियर है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी? यस। नाउ देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से टेबल में डिफरेंस दिया हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज। ये है फर्स्ट, देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टीज, दे बिलोंग टू ओनली वन पर्सन और फैमिली। ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं ये किसी एक पर्सन या फिर एक फैमिली को बिलोंग करती हैं, जबकि दूसरी तरफ देख रहे हैं आप पब्लिक प्रॉपर्टीज़, दे बिलोंग टू एवरीवन इन द सोसाइटी। ये सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को, सभी से बिलोंग करती है, यानी उसको कोई भी यूज़ कर सकता है जो भी उस सोसाइटी में रह रहा है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, दीज आर मेंटेन्ड बाय रेस्पेक्टिव ओनर। अब आपकी कार है, आपका कोई और व्हीकल है, या आपका पर्सनल अपना घर है, तो उसको क्या करोगे आप, उसको खुद मेंटेन करोगे? गवर्नमेंट तो उसको आकर के सही नहीं करेगी ना। आप अपनी कार को खुद डेली संडे टू संडे आप वॉश करते हो, है ना, कोई बाहर का पर्सन आकर के तो उसको नहीं क्लियर करता है। इसी तरीके से जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो क्योंकि पब्लिक की होती है तो उसको कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट, है ना। सो दीज आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि वो पूरे पब्लिक यूज़ की होती है तो उसका मेंटेनेंस जो है वो गवर्नमेंट देखती है। दीज कैन बी यूज्ड ओनली बाय द ओनर, तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिर्फ ओनर के द्वारा ही यूज़ की जा सकती हैं। एंड दीज कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति हो, वो उसे यूज़ कर सकता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं दिए हुए हैं, एग्जांपल्स जो हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के, एग्जांपल इंक्लूड्स हाउसेस, प्राइवेट व्हीकल्स, और भी आपके पर्सनल बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर आप इसको रख सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एग्जांपल इंक्लूड पार्क्स, रोड्स एंड मॉन्यूमेंट्स, लाइब्रेरीज आप देखते हैं जो पब्लिक यूज़ के लिए होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप देखते हैं जिसको सारे ही लोग यूज़ करते हैं। Let us now learn about some example of public properties. तो चलिए अब देखते हैं कुछ example public properties के, like public places सबसे पहले आ जाते हैं। A public place is a space that can be used by everyone in the society. Public place क्या होते हैं? जो society में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी लोग जो हैं उसको use कर सकते हैं, like parks, monuments, libraries, beaches, schools and hospitals.
आर सम एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्लेसेस। तो आप देखते हैं कि पार्क हैं, सारे बच्चे उस पर खेल उसमें जाकर खेल सकते हैं, कोई एक बच्चा जो है उसके लिए वो पार्क नहीं होता। मॉन्यूमेंट्स हैं, आपने देखा होगा इतने सारे लोग जो हैं अदर स्टेट से भी उनको देखने के लिए आते हैं। कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें आप कोई भी चिल्ड्रन या फिर कोई छोटा बड़ा जो भी है उसमें जाकर के बुक्स रीड कर सकते हैं। आप अगर कभी बीचेस पर गए होंगे तो आपने देखा होगा वो भी सभी के लिए खुले हुए होते हैं, सारे ही लोग जो हैं वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में तो आप देखते ही हैं कोई एक बच्चा तो पढ़ने नहीं आता है ना, स्कूल में तो सारे ही बच्चे जो हैं वो पढ़ने आते हैं। पब्लिक जो स्कूल होते हैं यानी कि गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो तो सभी के लिए खुले हुए होते हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स भी जो है वो सभी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं पब्लिक प्लेसेस के। ऑल दीज प्लेसेस आर यूज्ड बाय एवरीवन फॉर डिफरेंट पर्पस। तो सभी जो हैं अलग अलग पर्पस से उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्क आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग एंड प्लेइंग, व्हाइल स्कूल्स आर यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू स्टडी। तो जो पार्क्स होते हैं उसको हम वहाँ पर घूमते हैं, खेलते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको पार्क को हम इन सब चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। स्कूल में हम जाते हैं, क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो अलग अलग चीज़ों का हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स में आपको दिए हुए हैं, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ताजमहल जो आपके ही यहाँ स्टेट में आप देखा ही होगा आपने। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बीच एंड दिस इज़ हॉस्पिटल। तो ये सारी क्या हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़। अब देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़। अब पब्लिक फैसिलिटी इज़ फैसिलिटी दैट इज़ प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट टू द पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो दी जाती है लोगों को, एक पर्टिकुलर प्लेस में जो लोग रह रहे होते हैं तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट उन लोगों को प्रोवाइड कराती है। अब पब्लिक फैसिलिटी में इंक्लूड स्ट्रीट लाइट्स, टॉयलेट्स, रोड्स एंड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड ट्रेन्स। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर देखिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप रेगुलर यूज़ करते हैं और देखते हैं, जैसे कि रोड्स के ऊपर आप स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं, आपने जगह जगह देखा होगा कि टॉयलेट्स भी होते हैं अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं। रोड्स जो हैं अगर कहीं भी हम जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो रोड्स जो हम यूज़ करते हैं, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें कौन देती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। जिस पर्टिकुलर प्लेस में हम रह रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए गवर्नमेंट जो है ये सारी फैसिलिटीज़ हमें देती है। ऑल दीज फैसिलिटीज़ हेल्प अस लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारी लाइफ को कैसा बना देती हैं, कम्फर्टेबल बना देती हैं। आप इमेजिन करके देखिए, अगर रोड्स के ऊपर ये स्ट्रीट लाइट्स ना हो तो क्या नाइट में हमें दिखाई देगा, नहीं देगा। इवन अगर ये रोड्स ही ना हो तो हम इजली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारी लाइफ को कैसा बना देती हैं, कंफर्टेबल बना देती हैं। स्ट्रीट लाइट्स लाइट अप प्लेसेस एट नाइट। जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो बिल्कुल रोड्स के ऊपर जो है अंधेरे में लाइट करने का काम करती हैं, तो आपको पता ही है। एंड दे हेल्प अस सी इन द डार्क एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट। तो ये अंधेरे में जो है, नाइट में जो है वो लाइट करके जो एक्सीडेंट होते हैं रोड्स के ऊपर, आप देखते हैं ना कि काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अगर ये लाइट ना हो तो। आप सोच कर देखिए क्या व्हीकल्स चलाना इजी होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लाइट्स होने की वजह से हम इजली एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, जिससे कि अंधेरा नहीं होता, लाइट होती है प्रॉपर, तो हमारे एक्सीडेंट भी जो हैं वो बच जाते हैं, नहीं होते। मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेल्प पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अफोर्डेबल प्राइजेस। तो जो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि आप देखते हैं यहाँ पर बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, मेट्रो स्टेशन पर आप देखते हैं मेट्रो ट्रेन्स होती हैं, तो ये हमारी रीजनेबल सी प्राइजेस पर हमें एक जगह से दूसरी जगह ईजली हमें
पहुंचाने का काम करते हैं हम जैसे यहाँ से हमें आगरा से दिल्ली जाना है तो हम क्या करते हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो हैं यानी कि बसेस जो होती हैं, ट्रेन्स जो होती हैं, इनको यूज़ करते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और प्राइसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। दे ऑल्सो हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द लेवल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कॉज बाई द स्मोक एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स, और इसके अलावा ये एयर पोल्यूशन को भी रोकने का काम करते हैं, जो व्हीकल्स से बहुत ज़्यादा जो स्मोक निकलता है उसको भी ये रोकते हैं। क्योंकि अब देखिए, आप सारे ही लोग जो है वो अपने पर्सनल व्हीकल्स को लेकर के अगर एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो यानी कि क्या होगा, आप एक फोर व्हीलर है आपके पास, आप उसे यूज़ करके अगर आप जाते हो दिल्ली तो एक आप ये देखिए कि कितनी सारी पॉपुलेशन जो है वो अपने अपने व्हीकल लेकर जाए तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो सकता है। लेकिन जब सारे ही लोग इन पब्लिक जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करते हुए यानी कि ट्रेन्स और बसेस का यूज़ करते हुए अगर जाते हैं और अपने पर्सनल व्हीकल्स को यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, जहाँ तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है लास्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब क्योंकि आपने ये देखा कि हमारे लिए पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ को स्मूथ बनाती हैं, हमारी सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए कंफर्टेबल बना देती हैं, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम इन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से ध्यान रखें। कैसे रख सकते हैं हम इनका ध्यान? पब्लिक प्रॉपर्टीज़ आर मेंटेन बाय वेरियस गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़, However, a public properties belong to all of us. We should also take care the responsibility of protecting them. तो देखिए, ये जो public properties होती हैं ये various government जो authorities होती हैं वो इनको maintain करती हैं, लेकिन सारी की सारी जितनी भी public properties होती हैं वो हमसे ही belong करती हैं, हमारे ही use के लिए होती हैं, तो हमारी ये responsibilities हो जाती हैं कि हम इनको कैसे करके अच्छे से इनको प्रोटेक्ट करें, इनका ध्यान रखें, इनको कोई नुकसान ना पहुंचने दें। तो हम क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो उठा सकते हैं, कैसे इनका ध्यान रख सकते हैं? द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं, स्टेप्स जो हैं वो हम उठा सकते हैं जिससे कि हम इन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, हम क्या कर सकते हैं, वी शुड नॉट लिटर अराउंड and try to keep our public places and environment clean. हम सबसे पहली चीज़ जो कर सकते हैं वो ये कि इधर उधर कचरा ना फैलाएं, जो भी public places हैं उनको साफ़ सुथरा रखें, अपने environment को clean रखें. We should not scribble on the wall or public places. और इसके अलावा हमें जो भी public places हैं, public properties हैं, walls के ऊपर हम कुछ paste कर देते हैं या कुछ लिखवा देते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें public property को बिल्कुल neat and clean रखना चाहिए। Next, हम कर सकते हैं, we should not damage public facilities like street lights and public means of transport. इसके अलावा जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हमें मिली हुई हैं लाइक स्ट्रीट लाइट्स जो रात में हमारे अंधेरे को दूर करने का काम करती हैं, इसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स जो हमें मिले हुए हैं उन सब को भी हमें किसी भी तरीके से डैमेज नहीं करना चाहिए, हमें उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी तोड़फोड़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अपने पर्सनल व्हीकल्स का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल हमें ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। वी शुड पे आर टैक्सेस ऑन टाइम टू हेल्प द गवर्नमेंट मेंटेन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ फॉर अस। आपको पता है कि गवर्नमेंट तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराती है, ये रोड्स, ये स्ट्रीट लाइट्स, ये हॉस्पिटल्स, ये स्कूल्स, ये सारी ही चीज़ें जो है हमें गवर्नमेंट देती है, लेकिन ये गवर्नमेंट हमें देती कैसे है? आपको पता है जो हम सारी ही चीज़ों के ऊपर टैक्सेस देते हैं, हम जो टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, ये जो मनी है इसको ही यूज़ करके गवर्नमेंट जो है ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराती है। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपना टैक्स जो है वो बिल्कुल प्रॉपर भरें, टाइम से भरें, तभी तो गवर्नमेंट जो है
वो रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएगी हमारी इन सारी फैसिलिटीज़ को पूरा करने में। अगर हम टाइम से टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, तो वो हमारी ये ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकती है ना। तो हमें टैक्सेस जो है वो बिल्कुल टाइम पर पे करने चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर, चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना क्या है, अच्छे से इस चैप्टर को फिर से रीड करना है। जो भी हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर में आपको आए हैं उनको अंडरलाइन करना है, उनके स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न करना है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।